24 मार्च को पहला लॉकडाउन किया गया था और अब हालात ऐसे हैं कि चौथे लॉकडाउन की मियाद भी अब पूरी हो रही है और उसके बाद शुरू होने वाला है अनलॉक 1, जिसमें पिछले करीब 2.5 महीने से जो काम बंद थे उन्हें फिर से शुरू किया जाएगा। हालांकि इसमें कई तरह की शर्तें हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात अनलॉक 1.0 से जुड़ी हुई है वो है अलग अलग राज्यों से लगने वाले दिल्ली के बॉर्डर्स या फिर किसी भी राज्य की सीमाएं। शनिवार को गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक अब लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य और एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने की छूट होगी। इसके लिए अब किसी भी तरह की मंजूरी या ई पास की जरूरत नहीं होगी, जो इससे पहले तक जरूरी हुआ करती थी। लेकिन अब सामान और लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया है कि राज्य अपने हिसाब से रोक लगा सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना पहले से दिया जाना जरूरी होगा, साथ ही नियमों का पालन भी करना होगा। हरियाणा और यूपी ने दिल्ली से लगने वाली अपनी सीमाओं को सील कर दिया था। सिर्फ परमिशन के बाद ही किसी को बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत थी, लेकिन नई गाइडलाइंस के मुताबिक आवाजाही पर रोक नहीं है जब तक कि उस राज्य की सरकारें आपके आवागमन पर रोक नहीं लगा देती। इससे पहले भी दिल्ली यूपी बॉर्डर को खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन जिस तरह का ट्रैफिक जैम दिखा था उसने सरकारों को डरा दिया था, जिसके बाद तत्काल ही बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब अनलॉक 1.0 आया है और इसके अलग अलग फेजेस भी हैं। अभी तो फिलहाल बॉर्डर्स खोलने पर बात हुई है, उसके बाद 8 जून से शुरू हो रहे फेज 1 में धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाजत होगी। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अभी भी बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना के अभी 89,995 केस एक्टिव हैं, 86,983 लोगों को ठीक किया जा चुका है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद 5,164 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अभी तक एक मरीज को भारत से माइग्रेट किया गया है। सरकार ने बॉर्डर्स खोलने का फैसला तो ले लिया, लेकिन अब हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आपका लॉकडाउन 4.0 के बाद अनलॉक 1.0 पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।